बात जब झारखंडी कुजीन की हो तो हमारा छिलका यानी चावल की रोटी कैसे पीछे रह सकती है। वैसे आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं जरूर बताना। मैं महाराष्ट्र गया था, वहाँ इसका कुछ अलग सा ही नाम है। इसे पहले चावल को सोख करके रखना है। सोख करने के बाद सुबह उसे मिक्सी में डाल करके या फिर सिलवट्टे में डाल करके उसको अच्छे से पीस करके एक पेस्ट बनाया जा सकता है, जैसा कि आप डोसा में भी देखते होंगे, सेम वही प्रोसेस है। पीसने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और एक बिल्कुल लचीला सा हल्का सा गाढ़ा टेक्सचर रहेगा तो छिलका आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। हमने यहाँ पे पैन डाला है, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे किसी डब्बू के सहारे। हम इसे डब्बू कहते हैं, कलछुल कहते हैं, आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करें। इसको गोल गोल स्प्रेड करेंगे खाली जगहों पे, जब भरते जाएंगे तो ये पूरा एक बन जाएगा छिलका। सेम डालने का वही प्रोसेस है डोसा का, लेकिन डोसा पेपर डोसा जैसा होता है लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है। जब आप एक तरफ पक जाएगा तो हम उसे पलटेंगे। पलटने के बाद फिर हम उसको दोनों साइड अच्छे तरीके से पकाएंगे। साउथ में आप जाएंगे तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और थिक बनाते हैं, जिसे कल डोसा कहा जाता है। उसमें किसी भी चीज़ों की स्टफिंग नहीं होती है, इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर दिखता है बट वो मोटा होता है। जब एक बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हम इसे रखेंगे और आप इसको मोड़ मोड़ के इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जब थाली में सजती है ना तो फील ही आ जाता है बिल्कुल। फिर इसके साथ आप ट्राई करो किसी सूखी सब्जी के साथ। हम यहाँ पे इसे आलू मसाले के साथ ट्राई करने वाले हैं। आप आलू दम के साथ भी इसका आनंद ले सकते हो। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।